हनुमान जो कि वानर सेना के मुखिया थे वो सीता मैया की तलाश में दक्षिण में समुद्र किनारे पहुंचे। लंका यहाँ से 100 मील की दूरी पर है, किसके पास इतनी ताकत है कि वो समुद्र को पार कर सके? मैं 10 मील तक छलांग लगा सकता हूँ। मैं 20 मील तक लगा सकता हूँ। तुम समुद्र में डूब जाओगे। मजाक छोड़ो, मैं 90 मील लंबी छलांग लगा सकता हूँ, लेकिन उतना भी काफी नहीं। हनुमान सुनो। हाँ? तुम तो बचपन में उड़कर सूर्य देवता तक उन्हें फल समझकर खाने चले गए थे, और तो और तुम्हें ब्रह्मदेव से वरदान भी मिला है। आज तुम ही हो भगवान श्री राम की इकलौती उम्मीद। श्री राम का नाम जपने से ही मेरे शरीर की ताकत 100 गुना बढ़ जाती है और मैं शक्तिशाली हो जाता हूँ। मैं श्री राम के काम के लिए निकल रहा हूँ। जय श्री राम जी की। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम जी की। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम जी की। श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान सीता मैया की तलाश में निकल गए। हनुमान वायुदेव के पुत्र हैं। जब वो समुद्र पार कर रहे थे तो समुद्र में से एक राक्षसी निकली। उसने हनुमान को समुद्र पार करते हुए देखा। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? ये समुद्र मेरा है, मेरी इजाजत के बिना तुम इसे पार नहीं कर सकते। अभी बताती हूँ, तुम्हें तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। ठीक है देवी, आप मुंह खोल लीजिए, मैं खुद ही मुंह में चला आता हूँ। भर गया, अब मैं चला। लंका की तरफ जाते हुए हनुमान ने अपना आकार, लंबाई और गति बढ़ा ली। हनुमान लंका के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, जहां एक और राक्षसी लंकनी द्वार पर तैनात थी। हनुमान ने खुद को छोटा किया और द्वार से चुपके से निकलने की कोशिश की, लेकिन लंकनी ने उन्हें देख लिया। कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? तुम्हारे यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? यहां लंका में तुम वानरों का आना मना है। जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हें पैर के नीचे कुचल दूंगी। क्षमा देवी। चले जाओ। बस एक काम करने दीजिए। क्या काम? ये काम।
शायद आप मेरा रास्ता नहीं रोकेंगी। लंका में स्वागत करने के लिए धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। Come on, little bunnies. Give thumbs up for the video, share with your friends, and subscribe to our channel for more awesome videos.